तो दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9 के अंदर जो 47 मुकाबले वो हो चुके कंप्लीट और आज के दिन खेले गए यहाँ पर तीन बड़े मुकाबले। पहला मैच हुआ यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली केसी की टीमों के बीच में, इस मैच को यहाँ पर बेंगलुरु की टीम ने जीता। तो वहीं दूसरा मुकाबला खेला गया तेलुगु टाइटन्स और गुजरात की टीमों के बीच में, इस मैच को यहाँ पर गुजरात की टीम ने जीता। और तीसरा मैच हुआ यहाँ पर बंगाल और मुंबई की टीमों के बीच में, इस मैच को यहाँ पर दोस्तों मुंबई की टीम ने जीता। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सभी मैचों के बाद के पीकेएल सीजन 9 की लेटेस्ट पॉइंट टेबल के बारे में। तो ये वीडियो होने वाले बहुत इंटरेस्टिंग, तो आप कीजिए वीडियो को देखिए लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो की। तो बात करें यहाँ पर पॉइंट टेबल में, 12 स्थान पर तेलुगु टाइटन्स की टीम जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, 8 मैचों ने एक मैच में जीत भी दिया, 7 मैच में हार और 7 पॉइंट के साथ वह 12वें स्थान पर है। 11वें स्थान पर आते हैं पर तमिल थिलावास की टीम, तमिल की टीम ने 7 मुकाबले खेले हैं, 7 मैचों ने 2 मैच में जीत मिले, 4 मैच में हार, 1 मैच उनका टाई रहा, उनके पास टोटल पॉइंट है 15। 10वें स्थान पर यहाँ पर पटना पाइरेट्स की टीम, पटना की टीम ने 8 मुकाबले खेले हैं, 8 मैचों ने 2 मुकाबलों में जीत मिले, 4 मैच में हार, 2 मैच उनके टाई रहे, उनके पास टोटल पॉइंट है 18। 9वें स्थान पर यहाँ पर यूपी योद्धा की टीम, यूपी की टीम ने 7 मुकाबले खेले हैं, 7 मैचों ने 3 मैच में जीत मिले, 4 मैच में हार, उनके पास टोटल पॉइंट है 19। 8वें स्थान पर यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स की टीम, हरियाणा टीम ने भी 8 मुकाबले खेले, 8 मैचों ने 3 मैच में जीत मिली है, 4 मैच में हार, 1 मैच उनका टाई रहा, उनके पास टोटल पॉइंट है 21। 7वें स्थान पर यहाँ पर बंगाल ब्लूज की टीम, बंगाल की टीम ने 8 मुकाबले खेले, 8 मैचों ने 4 मैच में जीत मिले, 4 मैच में हार, उनके पास टोटल पॉइंट है 21। 6वें स्थान पर यहाँ पर गुजरात जायंट्स की टीम, गुजरात की टीम ने यहाँ पर दोस्तों 8 मुकाबले खेले, 8 मैचों ने 4 मैच में जीत मिली है, 3 मैच में हार, 1 मैच उनका टाई रहा, उनके पास टोटल पॉइंट है 24। 5वें स्थान पर यहाँ पर मुंबई की टीम, मुंबई की टीम ने 8 मुकाबले खेले, 8 मैचों ने 5 मैच में जीत मिले, 3 मैच में हार, उनके पास टोटल पॉइंट है 26। 4थे स्थान पर यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम, जयपुर की टीम ने भी 8 मुकाबले खेले हैं, 8 मैचों ने 5 मैच में जीत मिले, 3 मैच में हार, उनके पास टोटल पॉइंट है 26। 3रे स्थान पर पुनारी पल्टन की टीम, पुणे की टीम ने 8 मुकाबले खेले हैं, 8 मैचों ने 4 मैच में जीत मिली है, 2 मैच में हार, 2 मैच उनके टाई रहे, उनके पास टोटल पॉइंट है 27। 2रे स्थान पर यहाँ पर दबंग दिल्ली की ऐसी टीम, दिल्ली की टीम ने 8 मुकाबले खेले, 8 मैचों ने 5 मैच में जीत मिले, 3 मैच में हार, उनके पास टोटल पॉइंट 28। पहले स्थान पर यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स की टीम ने 8 मैच खेले, 8 मैचों ने 5 मैच में जीत मिली है, 2 मैच में हार, 1 मैच उनका टाई रहा, उनके पास टोटल पॉइंट है 29। तो ये थी यहाँ पर दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9 की लेटेस्ट पॉइंट टेबल आफ्टर 47 मैचेस। आप यहाँ पर मैं आपकी फेवरेट टीम का जो नाम है कमेंट के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। कबड्डी से शानदार अपडेट पाने के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।